आप तो डीजे बजवा रहे हो, आप तो जो है वो उछलवा रहे हो, कुदवा रहे हो। हर समय हिंदू मुसलमान की दृष्टि से एक दूसरे को देखना शुरू करेंगे। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट और मोबाइल नंबर वाले सीएम योगी के आदेश के बाद से हलचल है। ये हलचल राजनीतिक गलियारों को तो गर्म कर ही चुकी है, अब ये मामला संतों तक पहुंच चुका है। इस मामले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यूपी के सीएम योगी के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही शंकराचार्य ने सीएम योगी और यूपी सरकार को नसीहत भी दे डाली है। उन्होंने अपने बयान में उपचुनाव का भी जिक्र किया है, साथ ही सीएम योगी को एक बड़ी नसीहत भी दी है। चलिए जानते हैं शंकराचार्य सरस्वती ने नेम प्लेट विवाद पर क्या कुछ कहा है। अच्छा, फिर अचानक कर दे रहे हैं। पहले ऐसी कोई शिक्षा का आप वर्ग चलाते कि जो कांवड़िए हैं उनका प्रशिक्षण होगा, उनको समझाया जाएगा कि देखो शास्त्र के अनुसार जिस समय हम कांवड़ लेकर के चलते हैं उस समय हमको पवित्रता की आवश्यकता होती है, पवित्र भोजन करना आवश्यक होता है, पवित्रता पवित्र जीवन जीना होता है। आप तो डीजे बजवा रहे हो, आप तो जो है वो उछलवा रहे हो, कुदवा रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में कांवड़िए जो धार्मिक भावना है उनके अंदर, वो कैसे उनके अंदर आएगी? तो हम समझते हैं कि इस तरह का कानून बनाने से तो विद्वेष फैलेगा, हमारा अपना सोचना है। बहुत से हिंदू इसमें कह सकते हैं कि देखो ये फिर ऐसी बात कर रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद, लेकिन जो सच है वही तो हम कह सकते हैं। आखिर हम कैसे कह दें कि ये सही है? कि अब जब हिंदू मुसलमान की भावना आप तेज करोगे, तो अभी मुसलमान मालिक ने हिंदू कारीगर रखे हैं, हिंदू मालिक ने मुसलमान भी कारीगर रखे हैं, अब उनके दोनों के अंदर भेद आ गया। अभी तक तो ये सब बात ध्यान में नहीं थी, यद्यपि जानते थे कि ये मुसलमान है ये हिंदू है, लेकिन इस भावना को अभी बल नहीं था। अब बल आ जाएगा इससे, अब जब बल आ जाएगा तो वो हर समय हिंदू मुसलमान की दृष्टि से एक दूसरे को देखना शुरू करेंगे, तो उनके दोनों अंदर कड़वाहट टकराहट पैदा होने लग जाएगी। तो ये सब पवित्रता कितनी मेंटेन होगी इसका पता नहीं। इतना ही नहीं, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नेम प्लेट विवाद में ये भी कहा कि आज लोगों की समझ ऐसी है कि वो कहीं भी खान पान कर लेते हैं। अब लोग ये नहीं सोचते कि जिस खाने पीने की वस्तु को वो ग्रहण कर रहे हैं उसे किसने और किस भावना से बनाया है। पहले के लोग ऐसे विचार रखते थे कि किसने बनाया, किस भावना से बनाया, लेकिन अब आमतौर पर हिंदू ऐसे विचार नहीं रखते। ऐसा इसलिए है कि लोगों को इस बारे में जागरूक नहीं किया गया है। इसलिए सबसे पहले लोगों को जागरूक करने के लिए आपको वातावरण बनाना होगा। आज परिस्थिति ये है कि लोगों की समझ ऐसी हो गई कि कोई कहीं भी खा रहे हैं, उनका विचार ही नहीं है कि किसने इसको छुआ है, किसने इसको बनाया है, किस भावना से बनाया है, ये सब सोच ही नहीं रहे हैं लोग। उनको भूख लगती है, बस जो सामने दिख गया जाके खरीद के खा लेते हैं। पहले हम लोग विचार करते थे, हम लोग तो आज भी इस बात का विचार करते हैं कि कहाँ खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है आदि आदि, लेकिन अब आम जो हिंदू है वो ये सब विचार करता नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में उसको समझाइश तो ठीक से दी नहीं गई, लोगों को भी इस बारे में ठीक से अवेयरनेस लाई नहीं गई कि भाई असल में इसके पीछे ये भाव है और इसमें किसी को भेदभाव डालने की हमारी, किसी को निशा दिखाने की ऐसी कोई भावना, ऐसा वातावरण एक बनाया जाना चाहिए और उसके बाद इस तरह से कुछ किया जाता तो शायद ज्यादा कारगर रहता। यूपी के सीएम योगी की तरफ से अचानक लिए गए फैसले की तुलना शंकराचार्य ने नोटबंदी से की। उन्होंने कहा नोटबंदी अचानक हुई तो लोगों को कितनी परेशानी हुई थी, इसलिए किसी भी चीज को अचानक से कर देना बिल्कुल ही उचित नहीं है। पहले लोगों में इसके लिए माहौल तैयार करना चाहिए, उसके बाद इसके बारे में लोगों को समझाना चाहिए और फिर उसे लागू करना चाहिए। अपनी नसीहत के बाद शंकराचार्य ने एक सवाल भी किया। उनका सवाल है कि क्या यूपी सरकार की तरफ से हिंदुओं को कांवड़ियों के लिए लंगर लगाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए था? क्या सरकार की अपील पर कांवड़ियों के लिए लोग आगे नहीं आते? और अंत में शंकराचार्य ने योगी सरकार के इस फैसले को पूरी तरह से राजनीतिक करार दिया, साथ ही इस फैसले को बांटने वाला भी फैसला कहा। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।